KSN 24 पल पल की खबर। रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र में ग्राम तडोला में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक ने दो महिलाओं को खाट के लकड़ी से सिर पर प्राणघातक हमला कर दो महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया और एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर रायगढ़ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, DSP गरिमा द्विवेदी पहुंचे। पुसौर थाना प्रभारी और उनकी टीम ने आरोपी व्यक्ति को एक घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीष यादव उम्र 28 वर्ष से पुसौर पुलिस से पूछताछ कर रही है, जिसमें जानकारी निकल कर आ रही है कि आरोपी और दोनों महिलाओं से काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिससे आज मौका देखकर एक महिला को खेत के पास मारकर दूसरे को घर घुसकर मार डाला। वहीं एक और महिला को सिर पर लकड़ी से मारकर घायल कर दिया। वहीं दोनों महिलाओं की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और एक महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जिस वक्त आरोपी हमला किया वो शराब के नशे में था। जब पुसौर पुलिस ने आरोपी मनीष यादव को गिरफ्तार किया उस समय नशे की हालत में था। फिलहाल डेड बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया। पुलिस विवेचना कर आगे की कार्यवाही कर रही है। हाँ बताओ क्या हुआ था? यहाँ पर एक मर्डर हुआ था। ठीक सर। एक की दो दो हाँ। एक पर वहाँ पर गिरा दिया लाश। कहाँ पर? वो आगे पर ये हाँ। बगीचा पर हाँ। एक आए पर घर पर मारा हाँ। उसके बाद एक फिर कूद रहा था, उसको मैं पकड़ लिया तो उसको छोड़ा दिया। क्या मारने वाले का क्या नाम है? मनीष यादव। अच्छा। तो उसको मैं पकड़ लिया उसको छोड़ा दिया, इसलिए फिर बस अपना अपना हो। जो अंदर में महिला पड़ी है, बॉडी पड़ी है, वो क्या लगता है? वो मेरा माँ है। हर माँ है। अब वो दूर में पड़ा है वो बॉडी? वो नानी माँ है। अच्छा। तो क्या आपसी रंजिश था क्या? तो कैसे ऐसी मार दिए? पता नहीं सर, ऐसी तो मार दिया। नशे में था? हाँ नशे में था सर, थोड़ा उड़ा ड्रिंक चढ़ाया होगा वो। आदतन नशे में करता है? नहीं पता नहीं सर, उतना तो पता नहीं पा रहा हूँ। बताएंगे मैडम, आज तडोलो गांव में पुसौर क्षेत्र में दो मर्डर हुआ है, उसके बारे में। पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम तडोला में दो मर्डर हुए हैं। मनीष यादव नाम का आरोपी है, उसने अपने पड़ोस में रहने वाली महिला रामवती और अपनी बड़ी मम्मी सहोदरा यादव का मर्डर किया है और मर्डर करने के बाद में आरोपी पकड़ा गया है। अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। जी मैडम, इसमें सुनाई दी है कि एक महिला जो है घायल है, अभी उसी परिवार के हैं। जब ये अपनी बड़ी मम्मी सहोदरा के ऊपर में हमला कर रहा था, उसी समय पे उसकी दादी भी वहीं उसी परिसर में थी, तो उसको उस पर अपनी बड़ी मम्मी के ऊपर में हमला करने के बाद में इसने अपनी दादी पर उसी लकड़ी के पट्टे से हमला किया, तो उसको भी चोट आई है, जिसका जो भी इलाजरत है। जी कुछ आपसी विवाद इन लोगों के बीच में? ये आपसी विवाद होता रहता था कि बारिश का पानी उसके घर से निकल नहीं रहा है, इस बात को लेके रामवती और आरोपी जो है मनीष यादव उसके बीच में विवाद होता रहता था। और इसका अपनी बड़ी मम्मी से विवाद हुआ था इस बात के ऊपर में कि आप रामवती का साथ देती हो, मेरा साथ नहीं देती, और वो उसको बोलती रहती थी कि तुम शराब पीते हो, कुछ काम नहीं करते हो, ये सब को बात को लेकर इन लोग का आपस में विवाद होता रहता था। तो इस घटने में जो है शराबी आदतन शराबी क्या? हाँ वो शराब पीने का आदि था, लेकिन घटना वो पूरे होशोहवास में किया।